केक खाना तो सभी को पसंद होता है, खासकर जो मार्केट में फ्रूट केक मिलता है वो तो सबका फेवरेट होता है, खासकर बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो आज मैं एक इंस्टेंट फ्रूट केक बनाने वाली हूँ पार्ले जी बिस्किट से। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिया है, ये टोटल 50 बिस्किट्स हैं। इसे ब्लेंडर जार में डालेंगे और साथ ही 1/4 कप चीनी डालेंगे, 1 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इसे फाइन ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसे शिफ्ट कर लेंगे ताकि इसमें बिस्किट्स के कोई बड़े चंक्स ना बचे। इसी तरह से बचे हुए बिस्किट्स को भी ग्राइंड करके शिफ्ट कर लेंगे। मैंने ओवन को प्रीहीट होने के लिए स्टार्ट कर दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 356 डिग्री फ़ारेनहाइट। बचे हुए बिस्किट्स को वापस से ग्राइंड कर लेंगे। बिस्किट का पाउडर बिल्कुल रेडी है, तो अब इसमें 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, 1/2 छोटे चम्मच वनीला एसेंस, 1/2 कप दूध, ये दूध रूम टेम्परेचर पे था। इन सारी चीजों को विस्क कर लेंगे। इसमें 1/4 कप दूध और डालेंगे क्योंकि ये बैटर थोड़ा थिक लग रहा है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करें क्योंकि हमें ये बैटर बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाना है, थोड़ा थिक ही रखना है। ये बैटर अब बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो गया है, तो इसमें 1/4 कप टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। मैंने टूटी फ्रूटी के साथ साथ इसमें ड्राई पाइनएप्पल और ड्राई चेरीज भी ऐड किया है। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा ये बैटर बिल्कुल रेडी है। मैं आज ये केक मिनी पैन्स में बनाने वाली हूँ, इसमें मैंने पार्चमेंट पेपर भी लगा दिया है, तो अब इस केक बैटर को इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। बैटर को बिल्कुल ऊपर तक फिल नहीं करेंगे, 3/4 तक ही फिल करना है। इसे 1-2 बार टैप कर लेंगे जिससे कि ये इवन हो जाए, और अगर इसमें कोई एयर पॉकेट्स होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। इसके ऊपर थोड़े से टूटी फ्रूटी स्प्रिंकल कर देंगे। ओवन प्रीहीट हो गया है, तो अब इसे बेक होने डालेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। केक बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है, तो इसे ओवन से निकाल के वायर रैक पे रखेंगे जिससे कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जब इसमें टूथपिक इंसर्ट कर रहे हैं तो टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, मतलब केक परफेक्टली बेक हो चुका है। तो केक को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे डीमोल्ड करेंगे। केक थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसे डीमोल्ड करके कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं केक बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है। आप केक का टेक्सचर देख सकते हैं, परफेक्टली बेक हुआ है, और जो टूटी फ्रूटी और चेरीज हमने डाले थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आप इस केक की रेसिपी को ट्राई करें, आई एम श्योर आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक बनता है ये। तो आप इस केक की रेसिपी को ट्राई करें, और अगर ट्राई करने के बाद पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो।